गाइस तो आज हम फिर आए किड्स स्टोर एंड शॉप पे। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ अपने पैसे अपने पर्सनल एटीएम में जमा करा दूँ। आप कंफ्यूज हो गए होगे ना कि मेरा कौन सा पर्सनल एटीएम है। चलो तो आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये है मेरा पर्सनल एटीएम। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस इसकी मैंने अनबॉक्सिंग तो कर दी है, तो इसे चलिए बाहर निकालते हैं। गाइस तो एटीएम तो बहुत भारी है कि निकल भी नहीं रहा है। ओ यहाँ से कुछ खुलेगा लगता है, अब बाहर आ जाएगा। गाइस तो अब बाहर आया। गाइस तो ये है मेरा पर्सनल एटीएम। तो चलिए अब इसमें सेल्स डालते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। और ये क्या चीज़ें हैं, एक तो इसका मैनुअल मिला है, तो इसमें क्यों क्रेडिट कार्ड भी मिला है। ये तो मेरे डैड के पास भी है। तो चलिए इसमें बैटरीज डालते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे चलता है। गाइस तो इसमें मैं सेल्स डालता हूँ। गाइस तो चलिए इसमें ये लगा देते हैं। अब तो इस एटीएम को ऑन करते हैं। गाइस तो मैंने इस एटीएम को ऑन कर दिया है, तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो मुझे इसमें 100 रुपीज डिपॉजिट करना है, तो मैं क्लिक करूँगा डिपॉजिट पे। मुझे फेस गाइस मैंने तो डिपॉजिट पे क्लिक कर दिया, तो अब मैं निकालता हूँ 100 रुपीज। तो गाइस ये फिर सिलेक्ट कर दिया 100। कंफर्म। गाइस अब मैं इसे इसके अंदर डालूं। वाओ गाइस इसमें तो चले गए सच्ची में। गाइस इस बार मैं नोट नहीं, मैं कॉइंस डालूंगा। गाइस तो मुझे फिर से बैक पे जाना पड़ेगा। डिपॉजिट नाउ कॉइंस। मैं मेरे पास हल्के और कॉइन्स है, ये भी डाल देता हूँ। गाइस मैंने कॉइन्स तो डाल दिए हैं, अब मैं एंटर कर देता हूँ। तो मैं इसमें से आपको पैसे विड्रॉ करके दिखाता हूँ। कंफर्म। गाइस ये देखिए यही पैसे मैंने अंदर डाले थे और यही बाहर आ गए। वाओ गाइस इट्स सो अमेजिंग। गाइस मैं तो अपना एटीएम लेके जा रहा हूँ। अगर आपको ऐसा एटीएम चाहिए तो आपको किड्स स्टॉप एंड शॉप पे आना होगा। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय क्रिश वर्ल्ड।